हेलो क्लास आज हम डिस्कस करेंगे थेरम ऑन इक्वल रेशियोज़ एंड प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन दिस थेरम ऑफ इक्वल रेशियोज़ तो थेरम ऑफ इक्वल रेशियोज़ क्या है कि इफ ए बाय बी इक्वल टू सपोज सी बाय डी दिया है सपोज दिस इज इक्वल टू ई बाय एफ आल्सो तो देन इन दैट केस देन हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें सपोज दिस इज़ इक्वल्स टू के क्योंकि ये सारे रेशियोज इक्वल हैं मान लेते हैं ये सारे रेशियोज इक्वल होंगे के के सो देन ये जो के है के विल ऑल्सो भी इक्वल टू न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में अगर मैं किसी एक सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करूँ जैसे एल से सो एल ए डिवाइड बाई एल बी सो यहाँ पर प्लस और माइनस हम ले सकते हैं एम सी यहाँ पर भी वही सेम चीज़ लेंगे सो ये एम डी हो जाएगा और मान लेते हैं यहाँ पर माइनस ले लेते हैं एल एम एन एन सी यहाँ पर भी माइनस एन सी तो यहाँ पर ये जो रेशियो आपका है अगर ये सारे रेशियोज इक्वल हैं तो ये ये रेशियो जो होगा ये इस तरह से आ, उनके कॉमन मल्टीपल्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के रेशियोज़ के भी इक्वल होगा ओके तो ये ये ध्यान रखना है कि अगर ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ दिया है इक्वल है वी कैन कंसिडर दिस इक्वल टू के हम के मान लेते हैं तो देन के विल ऑल्सो भी इक्वल टू एल अप एल ए प्लस एम सी माइनस एन सी अपॉन एल बी प्लस एम डी माइनस एन सी मतलब जिस नंबर से मैंने न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई किया उसी से मैंने डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया हर रेशियो में इस तरह से अलग अलग नंबर हम ले सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद उनके जो रिस्पेक्टिव सम्स होंगे उनके रेशियो के बराबर ये रेशियो के होता है ठीक है प्रूफ करना है तो प्रूफ भी इसका काफ़ी आसान है तो प्रूफ करने के लिए यहाँ पर हम जैसे एल टाइम यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो हम कह सकते थे कि ये जो के है इट विल बी इक्वल टू एल ए अपॉन एल बी इसी तरह से के इज इक्वल टू एम सी अपॉन एम डी इसी तरह से के इज इक्वल टू एन सी अपॉन यहाँ पर एन डी अच्छा ये यहाँ पर यहाँ पर एन सी नहीं ये एन ई e होगा यहाँ पर और ये एफ होगा एन एफ ओके चलिए एक्सरसाइज देखते हैं इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 4.4 ये पहला प्रॉब्लम x बाई सेवन इक्वल टू वाई बाई थ्री है एंड दिस इक्वल टू यहाँ पर न्यूमरेटर में हमने क्या किया 3x एक्स प्लस वाई किया तो न्यूमरेटर में देखिए x को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये जो 7 है ये 7 भी किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू सेवन प्लस यहाँ पर वाई फाइव से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये थ्री भी फाइव से मल्टीप्लाई हो जाएगा सो so ये हो गया आपका थ्री एक्स प्लस फाइव वाई डिवाइड बाई सेवन थ्री था ट्वेंटी वन प्लस फाइव थ्री था फिफ्टीन सो दिस इज इक्व टू थ्री एक्स प्लस फाई वाई डिवाइड बाई फाइव प्लस वन सिक्स एंड टू प्लस वन थ्री थर्टी सिक्स Okay, इसे इक्वेशन वन कंसिडर कर लेते हैं तो यहाँ पर देखा आपने हमने थियरम ऑफ इक्वल रेशियस को अप्लाई किया और इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में लिखा अच्छा यहाँ पर मुझे मेंशन भी करना चाहिए था ओके नो प्रॉब्लम यहाँ पर इसी तरह से एक्स डिवाइड बाई सेवन एक्स डिवाइड बाई सेवन टू वाई डिवाइड बाई थ्री टू यहाँ पर ये सेवन एक्स मैंने एक्स को सेवन से मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में भी सेवन से मल्टीप्लाई होगा देन माइनस लिया माइनस नाइन वाई किया तो यहां पर भी माइनस नाइन इंटू थ्री ओके यहां पर रीजन लिख सकते हैं ऑन, ऑन इक्वल रेशियोस, ठीक है सो दिस विल बी इक्वल टू सेवन एक्स माइनस नाइन वाई डिवाइड बाय दिस इज सेवन सेवन द फोर्टी नाइन माइनस नाइन थ्री द ट्वेंटी सेवेन सो दिस विल बी इक्वल टू सेवन एक्स माइनस नाइन वाई डिवाइड बाय नाइन माइनस सेवेन टू फोर माइनस टू टू ट्वेंटी टू सो फ्रॉम वन एंड टू फ्रॉम वन एंड टू यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्स अपॉन सेवेन इक्वल टू वाई अपॉन थ्री ईदिक्वस टू यहाँ पर थ्री एक्स प्लस फाइव वाई डिवाइड बाई थर्टी सिक्स ईद इक्व टू थ्री एक्स प्लस फाइव वाई डिवाइड बाई थर्टी सिक्स ईद इक्व टू सेवन एक्स माइनस नाइन वाई डिवाइड बाई ट्वेंटी टू ओके डन दिस क्वेश्चन नंबर वन ओके अच्छा यहाँ पर ये एक क्वेश्चन इसी तरह से दिया है सेकेंड क्वेश्चन तो हम सेकेंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही कर सकते हैं ओके चलिए सेकेंड क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं ए डिवाइड बाई थ्री इक्वल टू बी डिवाइड बाई फोर इज इजिकल्स टू थ्री सी डिवाइड बाई इजिकल्स टू सी डिवाइड बाई सेवन सॉरी इज इजिकल टू ये यहाँ पर क्या है इज इजिकल्स टू सी डिवाइड बाई सेवन ये दिया है तो दिस विल बी इक्वल टू ये क्या होगा हम यहाँ पर न्यूमिनेटर में a माइनस टू बी प्लस थ्री सी ले लेते हैं डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा थ्री माइनस टू इंटू फोर प्लस थ्री इंटू सेवन ओके सो दिस इजिक्वल टू ए माइनस टू बी प्लस थ्री सी होल डिवाइड बाय यहाँ पर थ्री माइनस एट प्लस ट्वेंटी वन तो देर फॉर ये ए डिवाइड बाई थ्री इथिक्स टू बी डिवाइड बाई फोर इथिक्स टू सी डिवाइड बाई सेवन एदिक्स टू ए माइनस टू बी प्लस थ्री सी होल डिवाइड बाई थ्री माइनस minus इज माइनस फाइव माइनस फाइव प्लस plus 21 is इज प्लस so तो ए सिक्सटीन ओके तो ये सेकेंड जो क्वेश्चन है ये भी न सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन है फाइव एम माइनस एन क्वेश्चन है फाइव एम माइनस एन एजिक्स टू थ्री एम प्लस फोर एन देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज एक्सप्रेशन ये दिया है यहाँ पर नीचे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम सारे m एक तरफ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा फ्रॉम दिस फाइव एम ये थ्री एम लेफ्ट में लिया तो माइनस थ्री एम इज इक्स टू फोर एन ये माइनस एन राइट में गया तो प्लस एन सो फाइव एम माइनस थ्री एन टू एम इजिक्वस टू ये क्या हो गया फाइव एम सो फ्रॉम हियर एम अपॉन एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एम अपॉन एन इज इक्व टू ये हो जाएगा फाइव वेट बाई टू सो एम अपन एन इज इक्व टू फाइव डिवाइड बाई टू अब हमें फाइंड आउट करना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर तो इसके लिए यहाँ से एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो स्क्वायर किया हमने रिस्पेक्टिव टर्म में तो ये हो गया पच्चीस डिवाइड बाई ये हो गया चार ओके फिर कंपोनेंटो डिफिनेंडो अप्लाई करेंगे तो कंपोनेंटो डिफिनेडो अप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर टू यहाँ पर ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव प्लस फोर डिवाइड by ट्वेंटी फाइव माइनस फोर सो ट्वेंटी फाइव प्लस फोर इज़ ट्वेंटी नाइन अपॉन यहाँ पर ट्वेंटी वन सो ट्वेंटी नाइन डिवाइड बाई ट्वेंटी वन ये आंसर ओके okay. अभी यहाँ पर थ्री एम प्लस फोर एन अपॉन थ्री एम माइनस फोर एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो थ्री एम एंड फोर एन है तो एक बार ये m अपॉन एन की वैल्यू मिल गई हमें तो so, हम यहाँ पर थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे फोर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर दिस इम्प्लाईज दैट थ्री एम डिवाइड बाई फोर एन इज इक्व टू ये हो जाएगा थ्री इंटू फाइव डिवाइड बाई फोर इंटू टू सो दिस इज़ इक्व टू फाइव थ्री द फिफ्टीन डिवाइड बाई फोर टू द एट ओके सो अब कंपोनेंटो डिविड इंडो अप्लाई करेंगे तो फ्रॉम हियर हम कह सकते हैं थ्री एम प्लस फोर एन डिवाइड बाई थ्री एम माइनस फोर एन एजिक्स टू फिफ्टीन प्लस एट डिवाइड बाई फिफ्टीन माइनस एट सो ये फिफ्टीन प्लस एट फिफ्टीन प्लस फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ये डिनिनेटर हो गया ट्वेंटी थ्री डिनोमिनेटर हो गया फिफ्टीन माइनस फाइव टेन टेन माइनस थ्री सेवन ट्वेंटी थ्री डिवाइड बाई सेवन सो थ्री एम प्लस फोर एन अपॉन थ्री एम माइनस फोर एन इज़ ट्वेंटी थ्री डिवाइड बाई सेवन ओके ये सेकेंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है कि इफ ए इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू बी इंटू जेड प्लस एक्स इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस वाई एंड आउट ऑफ ए बी सी नो टू ऑफ देम आर इक्वल देन शो दैट वाई माइनस जेड अपॉन ए टाइम्स बी माइनस सी इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स अपॉन बी इंटू सी माइनस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन सी इंटू ए माइनस बी ये हमें शो करना है तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो गिवन इक्वेशन दिया हुआ है इसे ए बी सी से अगर डिवाइड कर दिया जाए इस टर्म को तो कुछ बात बन सकती है क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में ए बी माइनस ए सी है यहाँ पर बी सी माइनस बी ए है और यहाँ पर सी ए माइनस सी बी ए तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ए टाइम्स वाई प्लस जेड इदिक्वस टू बी टाइम्स जेड प्लस एक्स एडिक्वस टू सी टाइम्स एक्स प्लस वाई ये दिया हुआ है <coughs> तो हम क्या करेंगे हम ए बी सी से डिवाइड कर देंगे तो ए टाइम्स वाई प्लस जेड यहाँ पर ए बी सी से डिवाइड किया दिस इज इक्व टू बी टाइम्स जेड प्लस एक्स इसे ए बी सी से डिवाइड किया एज इक्स टू सी टाइम्स एक्स प्लस वाई इसे ए बी सी से डिवाइड किया ओके okay. तो यहाँ पर ए कैंसिल यहाँ पर बी बी कैंसिल और यहाँ पर सी सी कैंसर सो इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वाई जेड है अच्छा इक्वल टू इसे के एजूम कर लेते हैं सो वाई जेड ये हो गया वाई प्लस जेड डिवाइड बाई बी सी इज इक्व टू जेड प्लस एक्स डिवाइड बाई ए सी एक्ल टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई ए बी के। सो यहाँ पर बाई थेरम ऑन इक्वल रेशियोज कॉन्सेप्ट अप्लाई करें so, A, A, तो बाई थेरम ऑन इक्वल रेशियोज अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में ए बी माइनस ए सी तो ए बी ये और ए सी यहाँ पर ये सो बाई थेरम ऑन इक्वल रेशियोज हम कह सकते हैं के एज इक्व टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस एक्स डिवाइड बाई ए बी माइनस ए सी विच इज इक्व टू यहाँ पर ये यह होगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स डिवाइड बाई यहाँ पर ए को कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा बी माइनस सी ओके So, यहां यह minus X, यह plus X तो यहाँ पर ये माइनस एक्स ये प्लस एक्स कैंसिल तो ये हो गया देर फोर के ए इज इक्व टू वाई माइनस जेड अपॉन ए टाइम्स बी माइनस सी वाई माइनस जेड टाइम्स अपॉन यहाँ पर ए ब्रैकेट में बी माइनस सी ओके दिस इज ये हम इसको फर्स्ट बोलेंगे दिस इज फर्स्ट ऑल्सो के इज इक्व टू नौ इसी तरह से ये जो सेकेंड यहाँ पर दिख रहा है ये है बी सी माइनस बी सी माइनस बी ए तो बी सी माइनस बी ए के लिए यहाँ पर क्या करेंगे बी सी माइनस बी ए तो ये फर्स्ट और ये लास्ट लेंगे दैट इज वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई यहाँ पर बी सी माइनस बी ए बी ए बोलो या ए बी बोलो एक ही बात है ओके बी सी माइनस ए बी ओके सो दिस इज़ इक्स टू अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो वाई वाई कैंसिल हो जाता है और न्यूमरेटर होता है जेड माइनस एक्स डिनोमिनेटर यहाँ पर डिनोमिनेटर में बी को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा सी माइनस ओके, okay, ये दूसरा एंड इसी तरह से के इज़ ऑल्सो इक्वल टू यहाँ पर तीसरा टर्म अगर हम देखें तो ये है सी ए माइनस बी सी और ए सी माइनस ए सी माइनस बी सी सो ए सी माइनस बी सी के लिए ये ए सी वाला टर्म है और ये बी सी वाला टर्म है तो सेकेंड से फर्स्ट माइनस करेंगे जेड प्लस एक्स माइनस फर्स्ट टर्म है वाई प्लस जेड वाई प्लस जेड डिवाइड बाई यहाँ पर ए सी माइनस बी सी सो जिस टू ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जेड जेड कैंसिल न्योमिनेटर हो जाएगा एक्स माइनस वाई और डिनोमिनेटर में सी कॉमन लेंगे तो सी कॉमन लेते ही यहाँ पर बचेगा ए माइनस बी दिस इज थर्ड सो फ्रॉम वन टू एन थ्री तो यहाँ पर हम बोलेंगे फ्रॉम वन टू एंड थ्री के इज इक्वस टू तो यहाँ पर शो दैट दे आर इक्वल फ्रॉम वन टू एन थ्री तो के इज इक्व टू यहाँ पर ये टर्म मिला यहाँ पर ये टर्म मिला और यहाँ पर ये टर्म मिला तो फ्रॉम वन टू एन थ्री हम क्या कह सकते हैं वाई माइनस जेड अपॉन वाई माइनस जेड डिवाइड बाई ए टाइम्स बी माइनस सी ए इज इक्व टू दूसरा इक्वेशन है जेड माइनस एक्स डिवाइड बाई बी टाइम सी माइनस ए एंड दिस इज इक्व टू एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई सी टाइम्स ए माइनस बी ओके तो हो गया प्रूफ हो गया हेंस प्रूव्ड डन सिंपल इक्वल रेशियोज ऑन इक्वल रेशियोज तो यहाँ पर ये ध्यान रखना होता है कि प्रूफ क्या करना है ऑब्जर्व करके ये हम यहाँ पर देख सकते हैं जैसे यहाँ पर अगर आप न्यूमरेटर में ट्राई करते हैं कि वाई माइनस जेड के लिए क्या किया जाए तो वो शायद थोड़ा डिफिकल्ट होता है इम्पॉसिबल तो नहीं लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है जैसे अगर हमें वाई माइनस जेड चाहिए तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि वाई माइनस जेड कब हो सकता है या तो यहाँ से ये जो थर्ड इक्वेशन है ये इक्वेशन से इसे सब किया जाए तो हम यहाँ पर का टर्म कैंसिल कर लेंगे और वाई माइनस जेड मिलेगा अगर हम ओके वाई माइनस जेड अगर इसमें से ये एक्स माइनस जेड हो जाता ओके सो न्यूमिनेटर में भी कोशिश की जा सकती है तो डिनोमिनेटर में ए बी माइनस ए सी हो जाता तो आप न्यूमिनेटर से भी ट्राई कर सकते हैं डिनोमिनेटर से भी ट्राई कर सकते हैं चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का अब ये प्रॉब्लम है सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ पर आप देखें कि हमें शो करना है कि ईच रेशियो इज इक्वल्स टू वन एच रेशियो इजिकल्स टू वन शो करना है और दिया है, है हमें एक्स डिवाइड बाई थ्री एक्स वाई माइनस जेड एजिकल्स टू वाई डिवाइड बाई थ्री वाई माइनस जेड माइनस एक्स एजिकल टू जेड डिवाइड बाई थ्री जेड माइनस एक्स माइनस वाई इजिकल्स टू के ओके सो देन बाई थेरम ऑन बाई थेराम इशोज़ यहाँ पर जो के है के इज इक्व हो जाएगा एड कर लेंगे डिमोनेटर एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिनोमिनेटर में एड करेंगे तो थ्री एक्स माइनस वाई माइनस जेड प्लस थ्री वाई माइनस जेड माइनस एक्स प्लस थ्री जेड माइनस एक्स माइनस वाई ओके सो दिस टू यहाँ पर ये न्यूमरेटर था एक्स प्लस, प्लस, एकस, 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 यह प्लस वाई प्लस जेड डिनोमिनेटर यहाँ पर देखिए थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स तो थ्री एक्स माइनस टू एक्स ये यहाँ पर एक्स बचा प्लस यहाँ पर ये माइनस वाई प्लस थ्री वाई ये टू वाई हो गया टू वाई माइनस वाई ये वाई हो गया तो वाई और इसी तरह से जेड में अगर देखें तो माइनस जेड माइनस जेड माइनस टू जेड प्लस थ्री जेड तो यहाँ पर जेड हो गया तो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये क्या हो गया वन सो देर फोर ईच रेशियो इज इक्व टू क्या हो गया देर फोर ईच रेशियो इज इक्व टू वन के जो है वो ईच रेशियो के बराबर है और के की वैल्यू यहाँ पर हमको वन मिल गई तो so, ये था नेक्स्ट प्रॉब्लम है ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी एक्स प्लस ए जेड अपॉन एक्स प्लस जेड इक्वल टू ए वाई प्लस बी जेड अपन वाई प्लस जेड एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज़ नॉट इक्वल टू जीरो देन शो करना है कि इट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू देन शो दैट ए प्लस बी बाई टू तो यहाँ पर क्वेश्चन इनकम्प्लीट है देन शो दैट ए प्लस बी बाई टू क्या इसका कोई मतलब ही नहीं होता ओके okay, तो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं हम अभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इफ़ वाई प्लस जेड डिवाइड बाई ए इक्वल टू जेड प्लस एक्स डिवाइड बाई बी इजिक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई सी देन शो करना है कि एक्स डिवाइड बाई बी प्लस सी माइनस ए इजिकल्स टू वाई अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इजिक्वस टू जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस सी तो ये कैसे प्रूफ करेंगे तो यहाँ पर भी ईच रेशियो अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर पहले तो कंसिडर करेंगे लेट वाई प्लस जेड डिवाइड बाई ए इजिक्वस टू जेड प्लस एक्स डिवाइड बाई बी इजिक्वस टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई सी इज इक्व टू के देन के इज इक्व टू यहाँ पर डिनोमिनेटर में मुझे बी प्लस सी माइनस ए चाहिए बी प्लस सी माइनस ए तो बी के लिए यहाँ पर डिनिनेटर में जेड प्लस एक्स है प्लस सी के लिए एक्स प्लस वाई है माइनस ए के लिए वाई प्लस जेड है तो दिस इज इक्व टू यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x प्लस एक्स ये हो गया टू एक्स और फिर यहाँ पर z माइनस जेड कैंसिल हो गया और y माइनस वाई कैंसिल हो गया तो ये नोमिनेटर सिर्फ टू एक्स बचा अपॉन ये बी प्लस सी माइनस ए ये पहला इक्वेशन ओके okay? इसी तरह से k इज इक्व टू डिनोमिनेटर में c प्लस ए माइनस बी चाहिए हमें सो ऑल्सो हम कह सकते हैं k इज इक्व टू नाउ डिनोमिनेटर जो है वो है सी प्लस ए माइनस बी तो सी मतलब न्यूमरेटर है एक्स प्लस वाई प्लस ए मतलब ये है वाई प्लस जेड माइनस बी मतलब ये है जेड प्लस एक्स सो यहाँ पर ध्यान देंगे तो हम देख रहे हैं कि जेड और एक्स ये कैंसिल हो जाएगा तो जेड एक्स कैंसिल होने के बाद बचा क्या वाई तो so, ये हो जाएगा टू वाई डिवाइड बाई सी प्लस ए माइनस बी ये आपका सेकेंड इसी तरह से सिमिलरली के इज इक्व टू अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें चाहिए ए प्लस बी माइनस सी डिनिनेटर में हमें चाहिए ए प्लस बी माइनस सी तो इसके लिए हम पहले दो टर्म्स को ऐड करेंगे दैट इज वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स तो ये हो गया y प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर c है तो c के लिए c के लिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है x प्लस वाई तो अगर x प्लस वाई आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक्स वाई गया और z खाली रह जाएगा सो यू विल गेट टू जेड डिवाइड बाई ए प्लस बी माइनस सी सो देर फोर फ्रॉम वन टू एंड थ्री फ्रॉम वन टू एंड थ्री हम क्या कह सकते हैं फ्रॉम वन टू एंड थ्री हम कह सकते हैं कि टू एक्स अपॉन बी प्लस सी माइनस ए टू एक्स अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्व टू टू वाई अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इज इक्व टू टू जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस सी सो so, finally we फाइनली वी कैन से दैट b अपॉन c प्लस a is equal to y divided by c plus a minus b is equal to z अपॉन a plus b minus c ओके okay. तो so, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया राइट तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम थियरम ऑफ इक्वल रेशियोज को यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं राइट right? तो कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें डिस्कस कर रहे हैं अगले लेक्चर में हम बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे और देखेंगे किस तरह से थेरामोनिक्वल इश्यूज़ को यूज़ करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे